मुझे झूठी हमदर्दी मत दो, मुझे ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। उसे तुमसे हमदर्दी है, वो उससे हमदर्दी रख रहे हैं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपने नोटिस किए होंगे एक चीज कॉमन है, यानी एक वर्ड कॉमन है, वो है हमदर्दी या फिर सहानुभूति। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सिंपैथी। सिंपैथी, किसी से या फिर किसी के साथ हमदर्दी दिखाना या फिर किसी के साथ सहानुभूति रखना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं सिंपथाइज विथ। सिंपथाइज विथ, देखिए अगर आप सिंपथाइज विथ आपके सेंटेंस में यूज करें तो यहाँ पर जो सिंपथाइज है ये एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है, जैसे कि सिंपथाइजर, सिंपथाइज्ड, सिंपथाइजिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इस फ्रेज की यूज को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है, आई सिंपथाइज विद देम। आई सिंपथाइज विद देम, हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। आवर सिंपथाइजर्स आर विथ यू। आवर सिंपथाइजर्स आर विथ यू, उसे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए थी। ही डिडंट नीड योर सिंपथी। He didn't need your sympathy. मुझे ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। Don't show me too much sympathy. Don't show me too much sympathy. Or you can say, I don't want any sympathy from you. I don't want any sympathy from you. वो उससे हमदर्दी रख रहे हैं। They are sympathizing with them. They are sympathizing with them. आप लोगों को उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए थी। यू पीपल शुड हैव सिंपथाइज्ड विद हिम। यू पीपल शुड हैव सिंपथाइज्ड विद हिम, उसने तुमसे हमदर्दी है। सी सिंपथाइजेस विद यू। सी सिंपथाइजेस विद यू, कुछ तो हमदर्दी रखो जानवरों के साथ। हैव सम सिंपथी विद एनिमल्स। हैव सम सिंपथी विद एनिमल्स, मुझे झूठी हमदर्दी मत दो। डोंट गिव मी फेक सिंपथी। डोंट गिव मी फेक सिंपथी, उन्होंने हमेशा मेरे साथ हमदर्दी रखी। दे ऑलवेज सिंपथाइज्ड विथ मी। दे ऑलवेज सिंपथाइज्ड विथ मी,